क्या जिंदगी इतनी सस्ती है कि उसे लापरवाही की मौत मरने दिया जाए? क्या आम आदमी की जिंदगी कोई कीमत नहीं है? हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सरकार, अधिकारी, सिस्टम और खुद हम लोग हादसों से सबक ले नहीं रहे हैं। जो हम टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दरिया की दो तस्वीरें हैं। ये दुख, दर्द और जागरूकता की कमी को बयां कर रहा है। ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि जवाब अभी भी इसकी तलाश है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी में नाव पलटने से 24 की जान चली गई। मरने वालों में कई बच्चे थे, कई अभी भी लापता है। सकरान पर पतंगबाजी के सरकारी उत्सव में शामिल होकर ये लोग लौट रहे थे। बोट हादसे में मरने वाले सभी 24 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमीरपुर में एक महिला, उसके 3 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। राठ इलाके में मकर संक्रांत का मेला देखकर सुनीता नाम की महिला अपने 3 बच्चों के साथ ट्रैक्टर के टायर के ट्यूब से नदी पार कर रही थी। संतुलन उसका बिगड़ गया और चारों नदी में ही डूब गए।